हेलो डियर फ्रेंड्स, कहिए प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। मैं अनूप अवस्थी अपने चैनल ग्रामर ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर, जो अर्थ का मॉडल होता है, जो पृथ्वी का मॉडल होता है ग्लोब, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये मॉडल है, छोटा सा ग्लोब है। जैसा कि आपको मालूम है, इसके दो, जहाँ पर मेरी फिंगर्स हैं नीचे, जहाँ पर मेरा थंब है, मेरा अंगूठा है, ये आप समझ लीजिए ये साउथ पोल है, और ऊपर जो मेरी फिंगर है वो नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होते हैं, इस तरह से ये ग्लोब घूमता है। आपको मालूम होगा अर्थ की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूरब की ओर अर्थ घूमती है। इसलिए आपको सन स्थिर है, सन नहीं, सन मूवेबल नहीं है, लेकिन आप समझते हैं सूर्य आता है, सूर्य नहीं आता, सूर्य अपनी जगह पे स्थित है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो ये जब पृथ्वी, जो अर्थ जो है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर ये टिल्टेड है, झुकी हुई है, इसी वजह से क्लाइमेट का पूरा लाभ मिलता है। ये जो बीच की लाइन है ये इक्वेटर है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दो भागों में बटा हुआ है। तो जब ये घूमती है तो सन रेज इस पर, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस पर तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे कम पड़ती है, इक्वेटर पे पूरी पड़ती है। तो देखिए, ये अफ्रीका है, इस पर पूरा सीधी लाइट पड़ रही है, इसलिए ये जो है बहुत गर्म क्षेत्र है। ये अपना इंडिया है, भारत है, जिसके साउथर्न सरफेस पे तो पड़ रही है, लेकिन इसके जो पूर्वी हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थर्न इंडिया है, वहाँ पर हल्की स्लांटिंग है, तो इसलिए जाड़ों में यहाँ ठंडा होता है, लेकिन साउथ में सीधी किरणें होती हैं। तो इसको घुमा के आप समझ सकते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, और इसलिए आपको सन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता दिखाई पड़ता है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो जिन पर मुख्य रूप से, ये ग्रीनलैंड दिखाया गया है, ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, और इधर नॉर्थर्न अमेरिका और साउथ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो मॉडल एक ऐसा होता है जिससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, ग्लोब से, ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है। इसी को अगर बीच से काट के अगर फ्लैट कर दिया जाए तो यही मैप का रूप धारण कर लेता है, जब इसको मिला दिया जाता है तो ये ग्लोब है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको इससे मिल सकती हैं, उनको बार बार समझिएगा। थैंक यू।